Welcome to the St. Angel's online classes. We are working from home. Students, in the last video we have studied about the oxoacids of sulfur. Now we will study about the sulfuric acid. First of all, let's talk about its preparation. Sulfuric acid contact process से बनाया जाता है और ये जो process है ये तीन step में होता है. Step first में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर या सल्फर को बर्न करके SO2 जनरेट करते हैं. यानी फर्स्ट स्टेप इज बर्निंग ऑफ सल्फाइड ओर और सल्फर टू जनरेट SO2. S plus O2 gives SO2 or 4FeS2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो SO2 जनरेट हुई है उसको कैटलिटिकली ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 में. यानी ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 यूजिंग कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. 2SO2 plus O2 gives 2SO3 in presence of V2O5. And remember, this reaction is reversible reaction as well as exothermic reaction. So the second step is the key step in the manufacture of H2SO4, because by monitoring or by changing the conditions in second step we can change the rate of production of H2SO4, because it is a, as you can see, it is a reversible reaction and it is an exothermic reaction. So we can apply on this the Le Chatelier principle because it is a reversible reaction. तो अगर हम रिवर्स अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ली चैटेलिए प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, आपने 11th में पढ़ा कि अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर कम टेम्परेचर रहेंगे तब प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर हम घटा देंगे तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है ज़्यादा. यानी अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर बैकवर्ड अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा. यानी इस रिएक्शन में जो लो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होगा, लो टेम्परेचर इस रिएक्शन में फेवरेबल होगा. दूसरा, अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल प्रेशर का इफेक्ट आप हम किससे देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है. जिस साइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं प्रेशर बढ़ाने पर, उसी साइड में रिएक्शन जाती है. यानी इस सब में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड में 3 मोल हैं गैस के, SO2 भी गैस है और O2 भी गैस है, तो 3 मोल हैं गैस के. और अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो 2 मोल हैं गैस के. तो क्योंकि प्रोडक्ट साइड में गैस के मोलिक्यूल्स कम है या गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. यानी प्रोडक्ट ज़्यादा ऑब्टेन होगा. मींस अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द सूटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3. दस इन द की स्टेप या और द प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द सूटेबल कंडीशन एंड द ऑप्टिमम कंडीशंस आर 720 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 bar प्रेशर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप थर्ड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव H2S2O7 मींस ओलियम. यानी जो SO3 होता है वो H2SO4 में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें क्या देता है, ये ओलियम देता है. SO3 plus H2SO4 gives H2S2O7. और ये यानी हम ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 है हमारे पास, हम उसमें SO3 डिसॉल्व करके उसकी कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या बना देता है, ओलियम बना लेता है फर्दर. और अगर हम इसको H2S2O7 को डायल्यूट करेंगे तो हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 मिल जाएगा. यानी H2SO7 plus H2O gives H2SO4. नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो डायग्राम फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस. यू कैन सी दैट द कंप्लीट प्रोसेस टेक्स पार्ट इन मैनी चैम्बर्स. द फर्स्ट चैम्बर इज सल्फर बर्नर. इस चैम्बर में क्या होता है, सल्फर रखा जाता है कुछ प्लेट्स में. एक चैम्बर लेते हैं हम, एक या कह सकते हैं कंटेनर लेते हैं. कंटेनर के अंदर कुछ प्लेट्स लगी होती हैं, उन प्लेट्स में अंदर क्या रखता है, सल्फर रखा होता है. इसमें नीचे से एयर पास कराते हैं और उस कंटेनर को गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, जो सल्फर होता है या वो होता है सल्फाइड और होता है, वो क्या होता है, SO2 को बना देता है. तो यहाँ पर सल्फर के बर्निंग से हमें क्या मिलता है, SO2 plus O2 plus other impurities. इन इम्प्योरिटीज़ में कुछ डस्ट वगैरह भी होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट चैम्बर होता है हमारा डस्ट प्रेसिपिटेटर, जहाँ पे हम जो डस्ट होती है इसमें डस्ट को नीचे प्रेसिपिटेट करा लेते हैं.
नेक्स्ट में नेक्स्ट चैम्बर होता है हमारा वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। इस टावर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इम्प्योर गैसेज हैं, उनको वॉश भी कर लेते हैं, यानी वो पानी के साथ कुछ गैसेज, जो इम्प्योर गैसेज पानी में डिजोल्व होती हैं, वो पानी में डिजोल्व होकर नीचे आ जाती हैं, ठीक है। और साथ के साथ क्योंकि हमने यहाँ पर हीट किया है, तो जो गैसेज हैं SO2 O2 ये थोड़ा ठंडा भी हो जाती हैं, इसलिए बोलते हैं इसको वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर कुछ वही बॉक्सेस, डिफरेंट पार्ट्स बने होते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं वाटर स्प्रे कराते हैं। वाटर स्प्रे में इसमें जो इम्प्योर गैसेज होती हैं वो उसके वाटर के साथ डिजोल्व होकर नीचे चली जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं गैसेज। नेक्स्ट चैम्बर हमारा आता है ड्राइंग टावर, क्योंकि अभी हमने वाटर स्प्रे की है तो जो हमारी SO2 और O2 गैसेज हैं वो क्या हो जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं, यानी गीली हो जाती हैं, नमी आ जाती है इसमें। इसमें हम क्या करते हैं फिर जो ड्राइंग टावर से इसको पास कराते हैं, ड्राइंग टावर में क्या होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की हम स्प्रे कराते हैं, जिससे जो वाटर होता है वो उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, इसको डिहाइड्रेट कर देता है, यानी जो गैसेज हैं गैसेज में मॉइस्ट जो है वो उस मॉइस्चर को कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेट कर देता है, यानी अब हमारे पास ड्राई SO2 और O2 बचती हैं, जिसको हम क्या कराते हैं पहले आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर प्यूरीफायर से पास कराते थे, क्योंकि कुछ अगर आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ बचती हैं उसको यहाँ पे हम रिमूव कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है या अदर इम्प्योरिटीज होती हैं वो जो हमारा कैटलिस्ट है उसके लिए एक पॉइजन का काम करती हैं, इसलिए यहाँ पे हमें ज़रूरी होता है कि हम जो आर्सेनिक ऑक्साइड है उसको हटा दें, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर। इसमें मेनली सिलिका जेल वगैरह भरा रहता है जिसमें जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीहीटर, प्रीहीटर में हम क्या करते हैं वो गैस को वापस से हीट करते हैं और फिर वापस उसको कैटालिटिक चैम्बर में पास करा देते हैं, जहाँ पे SO2 और O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं SO3। फिर नेक्स्ट चैम्बर में क्या करते हैं, जो SO3 गैस होती है वो H2SO4 में डिजोल्व हो जाती है, ये इसको वापस से H2SO4 के चैम्बर में या H2SO4 के कंटेनर में पास आउट कराते हैं, जिससे H2SO4 SO3 गैस के साथ डिजोल्व हो जाता है, या SO3 गैस H2SO4 के साथ डिजोल्व होकर हमें क्या बना देते हैं ओलियम दे देते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल H2SO4 की केमिकल रिएक्शंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे।